हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक्सप्लेन मी बैंकिंग में, जहाँ पे हम आपके बैंकिंग एंड फाइनेंस को आसान बनाते हैं। दोस्तों, क्या आपको एक एटीएम कार्ड या फिर डेबिट कार्ड की ज़रूरत है और आपके पास एक बैंक अकाउंट भी है तो आप एलिजिबल हैं एक एटीएम कार्ड या फिर डेबिट कार्ड के लिए। लेकिन क्या आपको पता है कि आप एक एटीएम कार्ड या फिर डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं? नहीं पता ना, इसीलिए तो आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो आज के इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। अभी हम आपको पूरे 6 प्रोसेस बताने जा रहे हैं जिसका यूज करके आप अपने बैंक अकाउंट में एक एटीएम कार्ड या फिर डेबिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं इन 6 प्रोसेसेस को जिनका यूज करके आप अपने बैंक अकाउंट में एक एटीएम कार्ड या फिर डेबिट कार्ड आसानी से चुटकी बजाते ही अप्लाई कर सकें। दोस्तों, सबसे पहला प्रोसेस है अपने ब्रांच में विजिट करके एक एटीएम कार्ड या फिर डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई करना। इसके लिए आपको सिर्फ अपने होम ब्रांच में जाना होता है, जहाँ पे भी आपका बैंक अकाउंट है, जिस भी बैंक के ब्रांच में आपका बैंक अकाउंट है वहाँ पे जाके अगर आप वहाँ के एम्प्लॉयज को बोलेंगे कि मुझे एक एटीएम कार्ड अप्लाई करना है तो वो एक फॉर्म आपको दे देंगे। उस फॉर्म को फिलअप करके आपको सिंपली सबमिट करना होता है और 15-20 दिनों के अंदर आपका एटीएम कार्ड या फिर डेबिट कार्ड आपको सेंड कर दिया जाएगा। अब कभी कभी क्या होता है कि ब्रांच में जाने पर आपको बोला जाएगा कि अभी एटीएम कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल नहीं है। इस कंडीशन में आप निराश ना हो, सिंपली आप एक प्लेन पेपर में एटीएम कार्ड अप्लाई करने के लिए एक एप्लीकेशन लिख लीजिए और उसको अपने ब्रांच में सबमिट कर दीजिए। सेम काम करता है, या तो आप फॉर्म को सबमिट कीजिए या आप एप्लीकेशन को सबमिट कीजिए। और उसके बाद भी जब आप एप्लीकेशन लिखकर जमा करेंगे तो आपका 15-20 दिनों के अंदर एटीएम कार्ड अप्लाई हो जाएगा और आपको मिल जाएगा। अब एटीएम कार्ड अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन को कैसे लिखते हैं, इसके बारे में हमने एक कंप्लीट वीडियो बना रखा है, जिस वीडियो को भी आप देख सकते हैं जिससे आपको हेल्प मिलेगा। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को आप देखिए और आसानी से आप उस एप्लीकेशन को लिखना सीख सकते हैं। अब यहाँ पे आप 2 प्रोसेस जान चुके हैं, बढ़ते तीसरे प्रोसेस की ओर। और ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि सभी बैंक अवेलेबल नहीं करवाती है, लेकिन बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जो अपने एटीएम मशीन में ही एटीएम कार्ड अप्लाई करने का ऑप्शन प्रोवाइड करती हैं। इसके लिए आपके पास पहले से एटीएम कार्ड का होना जरूरी है। अगर आप रीअप्लाई कर रहे हैं तो उसमें इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। आप अपने एटीएम कार्ड को लेकर अपने बैंक के एटीएम मशीन में चले जाएं, वहां पे आप स्वाइप करो, लैंग्वेज सेलेक्ट करें, अपने एटीएम पिन को इंसर्ट करें और उसके बाद आपको एक ऑप्शन दिखाया जाएगा जहां पे एटीएम कार्ड एप्लीकेशन का, वहां पर जाकर आप आगे कुछ प्रोसेस फॉलो करवाया जाएगा जो कि अलग अलग बैंक्स में अलग अलग होता है। इस प्रोसेस को जैसे ही आप फॉलो करेंगे तो आपका एटीएम कार्ड का एप्लीकेशन हो जाएगा और 15-20 दिनों के अंदर आपका एक न्यू एटीएम कार्ड बनकर आपको मिल जाएगा। चौथा प्रोसेस, अगर आपके पास आपके बैंक अकाउंट से नेट बैंकिंग एक्टिवेट करके रखे हुए हैं आप, तो आप अपने नेट बैंकिंग का यूज करके भी घर बैठे ऑनलाइन बड़ी आसानी से अपने एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आप अपने नेट बैंकिंग में लॉगिन करें और वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, वहाँ पर आप एटीएम कार्ड अप्लाई करने के ऑप्शन को ढूंढकर आगे के प्रोसेस को फॉलो करें। इसमें भी अलग अलग बैंक्स के अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं। एक सिंपल सा प्रोसेस होता है जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपका एटीएम कार्ड का एप्लीकेशन हो जाएगा और आपका 15-20 दिनों के अंदर एटीएम कार्ड बनकर आपको सेंड कर दिया जाएगा। पांचवा प्रोसेस है मोबाइल बैंकिंग के थ्रू। ये भी अब बहुत ही कॉमन प्रोसेस हो गया है जो कि लगभग हर बैंक अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप में ही एटीएम कार्ड अप्लाई करने का सर्विस प्रोवाइड कर देती है। इसके लिए अगर आपके पास आपका मोबाइल बैंकिंग है तो उसमें लॉगिन कर लें और एटीएम कार्ड अप्लाई करने के ऑप्शंस को ढूंढें और छोटा सा प्रोसेस फॉलो करना रहता है, उस प्रोसेस को फॉलो करें और उसके बाद आपको 15-20 दिनों के अंदर एटीएम कार्ड अप्लाई हो जाएगा और 15-20 दिनों के अंदर, एक महीना के अंदर आपको वो एटीएम कार्ड मिल जाएगा। छठा प्रोसेस है, ये बहुत कम बैंक्स अभी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन जैसे बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, इस टाइप के बहुत सारे बैंक्स इस प्रोसेस को अवेलेबल करवाते हैं। इसमें क्या होता है, अगर आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है, मोबाइल बैंकिंग नहीं, उसके बाद भी इस प्रोसेस को फॉलो करके ऑनलाइन घर बैठे आप अपने लिए एक एटीएम कार्ड या फिर डेबिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट में जाएं और वहां पर एक सर्विसेज का टैब होता है, एक ऑप्शन होता है, जहां पे जाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं जो सर्विसेज बैंक प्रोवाइड करती है ऑनलाइन। उसमें आपको एटीएम कार्ड अप्लाई करने के ऑप्शन को ढूंढना है और वहां पे जाने के बाद आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने रहेंगे जिनमें आपको अपने बैंक अकाउंट से रिलेटेड डिटेल्स फिलअप करने रहेंगे और उसके बाद जब आप इस प्रोसेस को फॉलो करके कंप्लीट करेंगे तो आपका एटीएम कार्ड अप्लाई करने का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरह से आपको फिर 15-20 दिन या एक महीना के अंदर आपका न्यू एटीएम कार्ड बनकर आपको भेज दिया जाएगा।
ये कम्प्लीटली कॉमन 6 प्रोसेस थे जिसका यूज करके आप अपने बैंक अकाउंट में एटीएम कार्ड या फिर न्यू डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी प्रोसेस अभी के टाइम में अवेलेबल नहीं है। ये तो था कॉमन प्रोसेस, लेकिन अगर आपको अपने बैंक से स्पेसिफिक बैंक से रिलेटेड डिटेल्स चाहिए तो आप हमारे ब्लॉग explainmebanking.com में जाइए और वहाँ पर आप अपने बैंक को सिलेक्ट कीजिए। वहाँ पे आपको आपके बैंक से रिलेटेड स्पेसिफिक डिटेल्स मिलेंगे, या फिर आप हमारे चैनल विजिट कीजिए और प्लेलिस्ट में जाके अपने बैंक को सिलेक्ट कीजिए और वहाँ से आपको स्पेसिफिक अपने बैंक से रिलेटेड एटीएम कार्ड अप्लाई करने का प्रोसेस आपको मिल जाएगा। आई होप आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। इसलिए इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर दें, और साथ ही अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले बैंकिंग इन्फॉर्मेशन के साथ।